अमृतसर देहात की पुलिस को वड्डी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चार शूटरां नू हथियारां समेत गिरफ्तार कर लिया है। इन्हां चारां दे खिलाफ 16 अपराधिक मामले दर्ज ने। ये चारे जंडियाले दे रहण वाले हैप्पी जट दे खासे करीबी दसे जांदे ने। हैप्पी जट भी एक गैंगस्टर है ते उहदा गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नाल 36 दा आंकड़ा है। देहात दे SSP स्वपन शर्मा ने दसिया कि इन्हां चारां शूटरां ने जग्गू भगवानपुरिया दे दो साथियों का कतल करना सी ते इन्होंने उहदी रेकी भी कर ली गई सी। इन्हां तिन्हां दे कोलों 3 32 बोर दे पिस्तौल, 1 30 बोर दा पिस्तौल ते 1 गड्डी बरामद हुई है। ये हथियार इंदौर मध्य प्रदेश तो लैके आते सन। उस लिंक नूं भी तलाश किया जा रहा है जिथों ये हथियार लैके आते सन। गिरफ्तार किए गए शूटरां दे नां ने प्रभजीत उर्फ प्रभा, गुरदीप उर्फ गीता, ये दोवें जंडियाले दे रहण वाले ने, प्रतपाल उर्फ पप्पू वासी वैरोवाल, ते चौथा जिहड़ा है सन्नी, इन्हां चारां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच दी टीम्स SP साहिबान दे सुपरविजन च जंडियाला पुलिस भी इहदे च इनवॉल्व सीगी ते CA इंचार्ज भी। हैप्पी जट दे 4 बंदे गिरफ़्तार किए गए। 3 बंदे तो गिरफ़्तार पुलिस ने किए हैं, पुलिस का प्रेशर होया, रेड्स चल रही सीगियां, ते चौथा जिहड़ा सीगा जुडिशल ऑफिसर को पेश हो गया। इन्वेस्टिगेशन च ये रिवील होया है कि हैप्पी जट दे एक खास सिंपथाइजर्स कह लो या सपोर्टर्स कह लो, एसोसिएट्स कह लो, वो सीगे, ते इन्हां ने जग्गू भगवानपुरी दे 2 एसोसिएट्स दा नूं एलिमिनेट करना सीगा। हैप्पी जट जिहड़ा है जंडियाले दा रहण वाला है, भगौड़ा है, 3 मर्डर केसिस च वॉन्टेड है, 8-9 परचे होर भी उहदे ते दर्ज हैं। तो ये जिहड़े 4 बंदे गिरफ़्तार हुए हैं इन्हां चों 16 परचे इन्हां ते दर्ज हैं, लुट खो दे, एक्सटॉर्शन दे, मर्डर दे, हाईवे रॉबरी दे, ते कॉन्ट्राबैंड ड्रग स्मगलिंग दे, ते आर्म स्मगलिंग दे, आर्म सैक्ट दे जी। ते इन्हां ने रेकी जिहड़ी कीती सीगी वह बहुत एलैबोरेट कीती सीगी। गेटवे वहीकल भी जिहड़ी जिस गड्डी च इन्हां ने फरार होना सीगा वह भी सानू मिल गई है। तो हरियाणे च कुछ इदां दी ठहरां सीगियां जिहड़ी इन्हां ने आइडेंटिफाई भी कीती सीगियां वह भी सानू पता लग्गिया है। वेपन जिहड़े सीगे ये MP तों लेके आए सीगे इंदौर तों, वह भी आइडेंटिफाई हो चुका है कि किधरों लेके आए, कौन इन्हां दा वेपन सप्लायर सीगा। कुछ एमोनेशन भी बरामद होया, तो काफ़ी वड्डी इन्होंने ये पब्लिक टाइप एलिमिनेट करना सीगा, मारना भी सीगा ते दहशत पाने लिए मारना सीगा। 16 परचे हैं इन चारों के, तो 16 परचे हैं, वो एक्सटॉर्शन है जी, आर्म्ड डकैती है, कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग है, आर्म स्मगलिंग है, मर्डर भी परचे हैं। वो आइडेंटिफाइड हैं लेकिन मैं वो रिवील नहीं कर सकते। नहीं, पिस्टल कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, वधिया मेक है उन्हों का, 32 बोर दें ते 1 जिहड़ा है वो 30 बोर का पिस्टल। इंदौर तो लेके आए थे। हाँ जी, वो लग्या पता, वो लग्या, आइडेंटिफाइड है, टीम बैठी हुई साड़ी। उस दौरान हुण तक तो सामने नहीं आया कि रैकी कीती है, बट यस सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान सानू लगता है कि शायद इन्होंने कुछ ना कुछ जग्गू टारगेट तो ऐसा नहीं सीगा, बट इन्हां दे जिहड़े जग्गू दे जिहड़े साथी सीगे वो डेफिनेटली कर गए। गैंग वॉर नहीं, वर्चस्व की लड़ाई तुसीं कह सकते हो। हाँ जी, वर्चस्व की लड़ाई, कुछ जेल च इन्हां दा पंगा पै गया सी, सारे जेल ओरिजिनली जंडियाले दा जी। सक्रिय 2-2.5 साल। उन्हां दा है लिंक, कितने ना कितने लिंक है। हाँ जी, हाँ जी,
ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਹੈਪੀ ਜੈਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹੈਪੀ ਜੈਟ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਜੈਟ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ 16-17 ਬੱਚੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਕਰੀਨ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਲੂਇਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਫਾਨ ਫਰੋਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ 6 ਦਿਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਜਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 3-4 ਪਰਚੇ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਿਕਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, 128 ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਜਰਾਤ STF ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ।